जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही बोर्ड परीक्षा 2025 से जुड़ी। बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर सरकार की तरफ से आज एक बहुत ही बड़ा और अहम ऐलान कर दिया गया। जी हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मोदी सरकार ने कड़ी नियम लागू किए। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सभी छात्र छात्रों को सूचित किया जा रहा है कि इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 में जो नए नियम लागू किए गए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी सभी छात्रों को होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपको बोर्ड परीक्षा में एक तो नंबर कम मिलेंगे, ऊपर से आपको बहुत ही बड़ी परेशानी का सामना भी उठाना पड़ सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप इस वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही अपने बोर्ड और राज्य के नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके बोर्ड और राज्य जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में बहुत ही बड़ी खबर। जी हां, आपसे बता दें, सरकार बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर काफी सारे आम और बड़े बदलाव करे। इस बीच सरकार की तरफ से बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर आज एक बहुत ही बड़ा और आम ऐलान कर दिया गया। सबसे पहले आपसे बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 2023 हो चाहे 2022 हो 2021 हो, उन सभी विद्यार्थियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और विद्यार्थी काफी ज्यादा फेल हुए थे, काफी ज्यादा अंकों के साथ फेल हुए थे और बहुत ही ज्यादा उनको नुकसान भी उठाना पड़ा था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब सभी विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग ने 2025 के पैटर्न को पूरी तरीके से बदल दिया है। आप सभी को बता दें, 2025 बोर्ड परीक्षा का पेपर कुछ इस प्रकार बनाया जाएगा कि विद्यार्थियों को हर हाल में 95% तक के छात्रों को पास किया जाए तथा कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को हाई स्कूल व इंटर में 60% से ऊपर अंक प्राप्त हो, किसी के भी कम परसेंटेज नहीं आने चाहिए। इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। आपसे को बता दें कि इस बार करोड़ विद्यार्थी अपने बोर्ड परीक्षा पेपर को लेकर अभी से डरे हुए और अभी से तैयारियों में जुटे हुए हैं। 2025 बोर्ड परीक्षा का पेपर बहुत ही ज़्यादा सरल और सटीक बनाया जा रहा है। आपसे को बता दें कि बोर्ड परीक्षा में अब बहुत ही कम समय शेष रह गया है। जनवरी के आखिरी सप्ताह में अब आपकी प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगी, इसके बाद प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी संपन्न करा ली जाएगी व फरवरी महीने में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा जो कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक चलेगी। ऐसे में छात्रों के लिए बहुत ही कम समय शेष रहा। सरकार ने बोर्ड परीक्षा 2025 के पेपर को लेकर बड़ी बात कर दी कि इस बार पेपर बहुत ही ज्यादा सरल बनाया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्र पास हो जाए। साथ ही किसी भी छात्र के दो विषयों में पेपर छूट जाते हैं या फिर वो विद्यार्थी दो विषयों में फेल हो जाते हैं तो उन छात्रों के लिए पेपर दोबारा कराए जाएंगे, जिसकी परीक्षा जुलाई महीने में संपन्न कराई। फिलहाल यही खबर निकल के सामने रही थी। इस पर आप सभी लाल कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।